राजस्थान में आप लोगों ने बहुत अथक प्रयास करा, आप खुद मॉनिटर कर रहे थे रीट की परीक्षा को लेकर, लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्या कुछ कहेंगे रीट के एग्जाम को लेकर? देखिए, रीट की परीक्षा में जो कुछ माहौल बना राजस्थान के अंदर और राजस्थान वासियों ने, प्रदेश वासियों ने जिस तरीके से आगे बढ़कर के एक इतिहास बनाया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं कोरोना की मार झेल चुके हैं, पूरा प्रदेशवासी झेल चुके हैं। कोरोना के वक्त में भी आप देखा होगा कोई भूखा नहीं सोए, हमने कहा था, तो लोगों ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, धर्मगुरुओं ने, सभी पार्टियों लोगों ने मिलकर कोई कमी नहीं की सेवा करने के लिए, हमने अप्रिशिएट किया सबको। अभी भी हमने आह्वान किया कि बार बार बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस राज हो, पेपर आउट होने की खबरें आती रहती है। हमने इस बार कड़ाई बरती, ज्यादा ही हम बर्खास्त कर लेंगे नौकरी से, स्कूलों की मान्यता समाप्त कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, और साथ में क्योंकि करीब 15-16-17 लाख छात्र और नौजवान बेरोजगार थे, उनके लिए आह्वान किया कि कहाँ तो रुकेंगे, एक दिन पहले जाना पड़ता है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। आह्वान करने मात्र से पब्लिक ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने पलक पावड़े बिछा लिए उनके लिए, चाहे वो यूपी के आए हों, चाहे मध्य प्रदेश के आए हों, चाहे और किसी राज्य के लोग आए हों, और जिस प्रकार से उनके खाने पीने की व्यवस्था करी, राम रसोड़े खोल दिए खिलाने के लिए, उनको गर्म भोजन पैकेट बना दिए उनके लिए, ऐसा मैं समझता हूँ कभी आज तक कभी नहीं हुआ राजस्थान में और देश में कहीं नहीं हुआ। ये नई परंपरा इस प्रकार से राजस्थान की जो महान परंपरा रही है उसी का एक रूप था ये जो देखने को मिला। ये हमारे विपक्ष के साथ पक्ष ले रहा है, क्योंकि जिस प्रकार झंडा बाग के नारे लगाए उन लोगों ने वहां पर सरकार के और समाज सेवियों के, एक्टिविस्टों के, सबके, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर वो इसको भड़का रहे हैं। दूसरा क्या है कि नौकरी लगेगी 33,000, तो बहुत बड़ी एक पैसे बताता हूँ कि बड़ी संख्या में हमने एक अवसर दिया। उनको लगता है कि ये 33,000 नौकरी लगेगी तो बाकी कोई लगेगी नहीं, तो भड़काने में आसानी हो जाती है। अच्छा, आजकल पेपर ऐसे आते हैं वह हमारी सीट से, उसी वक्त बच्चे को मालूम पड़ जाता है बेरोजगार को कि भाई मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो जो मालूम है कि भाई अगर मेरा नंबर नहीं आने की संभावना है और ऐसी स्थिति बन गई मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसे लोगों का भड़का होगा, पेपर तो आउट हो गए थे, तो आप कितनी भी इकट्ठी कर लो उनको भड़काने का काम कर लो, ये अच्छी परंपरा नहीं है। इससे तो अगर भर्ती रुक गई साल भर, 2 साल, फिर कोई कोर्ट में चला गया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जाओ, पहले भी गए हमें तो कई सुप्रीम कोर्ट से केस विटो करना पड़ा है, तो ये अगर परंपरा रही तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ते कैसे होगी। तो ये विपक्ष को समझना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं करी, क्योंकि उनके शासन के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब भी पेपर आउट कई बार हुए हैं। हमने तो बहुत बड़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया पूरे इस प्रोसेस को, तो ये जो कुछ वो लोग हो गए, कुछ लोग ऐसे लोग हो गए नेता लोग बनने के लिए, नेता बने हुए हैं वो गए अफवाह चला रहे हैं। सच्चाई लाओ सामने, हमारे सामने लाओ सच्चाई, एसओजी को दो, हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और बख्शना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, सरकार किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी उनको, ये मान के चलो। भड़काने वाला काम छोड़ो, आप भड़काने वाला काम छोड़ो, अगर सच्चाई है, मालूम है एक सेंटर में, 2 सेंटर में मान लो पेपर आउट हो गया, तो आपको अधिकार है बताने का, हम पता कर रहे हैं कि भाई इससे एक सेंटर में, 2 सेंटर पे बात पहुंच गई है, पेपर आउट हो गया है, हम वहां वापस एग्जाम करवा देंगे, पर उसकी आड़ के अंदर आप चाहो कि पूरे लाखों लोग वापस को बुलाओ, परीक्षा दिलवाओ, ये कहां की समझदारी है, ये समझ के परे है।
इसलिए अगर कोई शिकायत मिलेगी सच्चाई होगी तो हम वापस पेपर करवा देंगे उन सेंटर पे जहाँ पर ये शिकायत हुई है। उसकी हाल में आप लाखों लोग कैसे आप वहाँ पे ये उम्मीद कर सकते हो कि सरकार उसके लिए वापस अयाम करवाएगी। तो ये तमाम जो हरकतें चल रही अच्छी नहीं है और सरकार बर्दाश्त भी नहीं करेगी।